हेलो नमस्ते, सुखी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आए हैं हम लोग का बागान में, तो यहाँ पपीता बहुत सारा फला हुआ है, तो आज पपीता का सब्जी बनाएंगे। देखिए कितना सारा पेड़ में फला हुआ है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा। तो ये देख रहे हैं बहुत सारा फल लगा हुआ है पेड़ में, लेकिन ये सब पेड़ छोटा ही है तो हाथ से ही पहुँच रहा है, तो हम जितना हाथ पहुँच रहे हैं उसी तरह से तोड़ रहे हैं। तो ये देखिए तोड़ रहे हैं पपीता, ये देखिए तोड़ लिए। तो चलते हैं, इसको पहले छीलते हैं उसके बाद सब्जी बनाएंगे। तो इधर मुंडी काट दी हैं और इसको छील लेते हैं इस तरह से। देखिए इसका बीज निकाल दे रहे हैं, ज़्यादा बीज इसमें नहीं है। जिसका ज़्यादा बीज नहीं रहता है वो खाने में भी टेस्टी रहता है। तो इसको देखिए निकाल लिए और इसको छोटा छोटा पीस में करके भी काटेंगे। सारा को इसी तरह से काट लेते हैं, उसके बाद धोएंगे और सब्जी बनाएंगे। तो हम लोग ये बागान में आए हैं, तो ये देसी चूल्हा ईंट से बना रहे हैं और आग जला लिए हैं लकड़ी से, तभी आग जल गया है। तो इसमें कढ़ाई चढ़ा देते हैं, कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। तो ये पपीता का सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई बिठा दी है, कढ़ाई गर्म हो गया है। तो इसमें तेल डालते हैं, सरसों का तेल 1 चम्मच। तेल गर्म हो गया है, इसमें डाल रहे हैं प्याज, डाल दे रहे हैं। प्याज और मिर्चा ये भुना गया है, इसी में डाल दे रहे हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट हम पीस लिए हैं। पपीता काट लेंगे और धो के रखेंगे, इसमें डाल दे रहे हैं। इसमें डाल दे रहे हैं हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। तो ये पपीता का पानी सूख गया है, तो ठीक से पका नहीं है, तो इसमें थोड़ा दे रहे हैं। पपीता पक गया है, उसी में डाल रहे हैं टमाटर बारीक कटा हुआ और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दे रहे हैं। गरम मसाला डालेंगे तो पपीता का टेस्ट और ही अधिक लगेगा। तो ये सब्जी बनके तैयार है, सर्व कर लेते हैं। ये देखिए इसमें, तो ये पपीता की सब्जी बनके तैयार है। और ये मीर डोसा पपीता सब्जी के साथ खाएंगे, और ये कद्दू का फूल ये इस तरह से बनाए थे।